नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप जो देख रहे हैं उसका नाम है दी ललन टॉप। एक नाम और है, सवी सिद्धू, पूरा नाम त्रिलोचन सिंह सिद्धू। इनकी पहली फिल्म 5 थी जो रिलीज़ नहीं हुई। ब्लैक फ्राइडे में इनका महत्वपूर्ण रोल था। गुलाल, पटियाला हाउस जैसी फिल्मों में भी काम किया। बेवकूफियाँ, डी डे, एस्केप फ्रॉम तालिबान जैसी फिल्मों में भी देखे गए। मौजूदा वक्त में सभी मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। फिल्म कंपेनियन हिंदी ने सभी से तफसील से बातचीत की है, करियर शुरू होने से लेकर अब तक के सफ़र पर। तो सभी सिद्धू फिल्मी दुनिया में कैसे पहुंचे, जान लीजिए कहानी भी। सभी ने लखनऊ से शुरुआती पढ़ाई की, इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ पहुँच गए। यहाँ मॉडलिंग के ऑफ़र मिले। इसके बाद लॉ करने वापस लखनऊ आए। लॉ माने वकालत की पढ़ाई। लखनऊ में पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी किया। भाई की नौकरी मुंबई में लगी तो उनके लिए मुंबई आना बहुत आसान हो गया। इसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे काम मिलना भी शुरू हुआ। अनुराग कश्यप के साथ पहली फिल्म पाँच की, हाँ ये पहली फिल्म थी जो रिलीज़ नहीं हुई। इसके बाद ब्लैक फ्राइडे में इम्पॉर्टेंट रोल था। फिर गुलाल में भी काम किया। पटियाला हाउस में काम करने का मौका मिला। सभी बताते हैं कि उस वक्त काम की कोई दिक्कत नहीं हुई। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि इतना काम आ जाता था कि मुझे ही छोड़ना पड़ता। फिर तबीयत खराब रहने लगी, सोचा कि ब्रेक ले लूं और फिर आराम से लौटकर काम करना शुरू करूं। लेकिन उस दौरान फाइनेंशियल दिक्कतें भी बढ़ गईं, सेहत का भी साथ नहीं मिल रहा था। इसके बाद और भी बुरा दौर आया। सबसे पहले वाइफ चली गई, इसके बाद पापा, मम्मी, सास, ससुर सहित परिवार के कई लोगों की हर साल मौत हो रही थी। यह मेरे लिए सबसे बुरा दौर था, ये बताते हुए सभी रोने लगते हैं। मैं अकेला होते होते बिल्कुल अकेला हो गया। सभी अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। 12 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है। अभी तो सभी के पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने तक के पैसे नहीं हैं। फिल्मों को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फिल्में देखना भी उनके लिए ड्रीम जैसा हो गया। इतने पैसे भी नहीं उनके पास। फिल्म कंपेनियन से बातचीत करते हुए सभी बताते हैं कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का असर मुझ पर बचपन से ही रहा है। उनके जैसे कपड़े पहनता, उनके जैसे बोलने की कोशिश करता। फिर लोगों ने समझाया कि डुप्लीकेट मत बनो, खुद को बनाओ। सब कुछ होने के बाद भी अमित जी और धर्मेंद्र मुझ में कूट कूट कर भरे हुए हैं। सभी अभी पैसे जमा कर रहे हैं, कहते हैं कुछ पैसे जमा कर लूँ, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, मिलूँगा। उम्मीद है कि काम मिल जाएगा। पहले भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, काम देने से कोई मना नहीं करेगा। दी ललन टॉप के लिए ये स्टोरी आदित्य ने लिखी थी। इसके बारे में आपको क्या कहना है और ये कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। बाकी फिल्मी दुनिया से जुड़े, राजनीति दुनिया से जुड़े और बाकी देश और समाज से जुड़े हर मुद्दे पर हमारे वीडियोज़ देखने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड पर जो ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज हमारा उसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू।